नमस्ते। भाई तो हम लोग चल रहे हैं जेम्स डिस्कवरी पे जा रहे हैं। भाई अपने साथ लक्ष्य भाई और अकरम भाई भी है साथ में। देखते हैं जेम्स डिस्कवरी में क्या क्या दिखाते हैं यहाँ पे। ठीक है, और सुबह के बज रहे हैं 12 बज चुके हैं, 10 मिनट बाकी है 12 बजने में भी। भाई देखो आवाज आ रही है यहाँ पे कैसी। ये है जेम्स गैलरी। भाई KGF का गुफा लग रहा है। KGF पिक्चर आपने सबने देखी होगी, जैसे उसके अंडरग्राउंड गोल्ड माइनिंग होती है ना, ठीक उसी तरह से लग रहा है। और यहाँ पे देख लो इस तरह से बनते थे जेम्स माइनिंग होती थी।
आप देख सकते हो ये। यहाँ पे दिखाया गया है कि कैसे जेब माइनिंग होती है, आप देख सकते हो।
ये देखो रूबी रूबी डायमंड है नेचुरल। सर्टिफिकेट ऑफ गारंटी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आप डायमंड ले सकते हो। प्राइस देख रहे हो, प्राइस तेरा घर जाएगा इसमें, तेरा घर चले जाएगा पूरा। अरे भाई अमेरिकन डायमंड है ये, अमेरिकन डायमंड शाइन देख रहे हो, शाइन पूरा कस्टमर को अपने सेटिस्फाई करके देंगे, इज नॉट फेक, इट्स 700 अमेरिकन डायमंड। कैन मेक एनीथिंग नेकलेस लॉकेट रिंग इयररिंग एनी डिजाइन मिनी लाइक दिस इंडियन 30,000, जिस किसी भाई को चाहिए वो यहाँ बता रहे। भाई इतना महंगा है ना, क्या बताया, ये जितने भी प्राइस लगे हैं आप ये मत सोचिएगा कि ये इंडियन प्राइस है, ये थाई प्राइस है, थाई बार। हमें ऐसा लग रहा है यहाँ तो अंबानी भी ढीला हो जाए। भाई है यार, है क्या चीज़ है भाई, शोरूम देख रहे, शोरूम ये 20,500 बाट का है, इसका मतलब समझो 20,500, 10,000 बाट आते हैं भाई 27,000 में, इसका मतलब ये पर्स जानते हो आपका हो गया 52 से 55 हज़ार रुपये का भाई। ये देखो 46,500, 46,500 आप, मेरी कैलकुलेशन करना आसान ही नहीं है, इतना महंगा है ये, 49,500 रुपये का है ये, 49,500 मीन 1 लाख के ऊपर का है ये भाई, सबसे महंगा है भाई ये 1,05,000। और ये सब जितने भी है ना, ये सब जानवर के खाल के बने हुए हैं, ओरिजिनल जानवर के खाल के बने हुए, ये देख सकते हो आप, ये सब देख सकते हो तो भाई, ये क्रोकोडाइल की खाल असली है, असली असली असली। सही बात है।
ले जाओ मन्नान भाई। भाई जहाँ एक मालिक जहाँ इतना खर्चा हो गया जहाँ एक चिप्स ले ही लेते हैं यार। ले लो लो। वैसे आप हम आपको एक चीज बताना चाहते हैं, हमने आज 10 बात में एक खाली कप खरीदा है, 25 रुपए का कप है, जो भी दे रहा है खाने पीने में कोई भी है, एक कप लिया। अच्छा कॉफी कितने की थी? 70 रुपए की। हाँ वो भी खाली। बूम बूम करना ओनली। क्या लिया आपने? हमारे लेक्चर भाई फुल एंजॉय कर रहे हैं। क्या था इसका नाम क्या था? मैंगो स्मूदी। और कितने का पड़ा आपको? 100 बाट। 100 बाट मतलब 250 रुपए का। चलो ये तो फिर भी ठीक है, ये थोड़ा रिजनेबल मान सकते हैं। और इन लोगों को देखो इतना महंगा सामान बेचने के बाद भी टिप बॉक्स अलग से बना रखा है, अब कौन देगा? तो दो फाइनली हम एक कप और कॉफ़ी जो कि लेके आ चुके हैं। इंडिया के जहाँ भी जाते हैं एक में दो करते हैं, ठीक है। पर यहाँ में यहाँ एक में दो कर रहे हैं ना, यहाँ एक में दो कर रहे हैं ना, तो भी रिजनेबल नहीं लग रहा हमें, इतना महंगा है। मन्नान भाई भी हमारे आ गए, ये मन्नान भाई भी एक कॉफ़ी लेके आए हैं आज, ये 250 रुपये की कॉफ़ी पियेंगे। मन्नान भाई के चेहरे से चमक नहीं उतर रही, कल खूब बूम बूम करवाया इन्होंने, खूब उठा पटक किए, देखो मतलब हंसी नहीं जा रही है। आज इनका सिस्टम एक्टिवेट हुआ है, जो अब ये बोल रहे हैं अगले सारे दिन तक हम एक्टिवेट ही रखेंगे इसको। पता क्या हुआ, मैं रात को ना बैठा था तुम्हें, एक भाई आ रहा है अभी, वो ऊपर नहीं गया, दूसरा आ रहा है ऊपर नहीं गया। अरे भाई कह रहा भाई चाबी दे दो, तू कह रहा वो कह रही 200 है चाबी दे भाई, चाबी नहीं है वो, चाबी नहीं मिली उसको, कह रहा नहीं वो वापस नहीं मिलेंगे, वो तो सिक्योरिटी ने ले लिया, परसों तक नहीं था एक्चुअली वो। ये भाई कहाँ गए, ये भाई वाला कांड हुआ ना भाई, क्या कह दिए पुलिस ने लाल लगा दिया कि अंदर कोई भी जाएगा तो आईडी के बगैर नहीं जाएगा, तो उसकी आईडी के वो चार्ज ले रहे हैं वो नोट करने के। अब कोई भी कांड होगा होटल में तो जिम्मेदारी होटल की है। अच्छा 200 बात इसीलिए चार्ज कर रहे हैं, इसलिए चार्ज कर रहे हैं। पहले जो गड़बड़ हो गई ना, फिर वो जो ट्रैवल एजेंट था उसने बोला कि बंदों के साथ में ऐसा हो गया, तो बोला कि ठीक है अगर ऐसी बात है तो एंट्री बोलो, अब उनकी जिम्मेदारी है। 200 बात देखे कैसे लगा तुमको? तो अच्छा ही लगेगा यार। इन्होंने चाबी दी होंगे ना, चाबी थी आपके पास में क्या? फिर 200 दिए होंगे। अगर चाबी नहीं है किसी के पास तो 200 उसने भी दिया ना फिर। इनका बंदा हम लोग के साथ सोया था, रूम पार्टनर, वो भी बेचारा, वो बेचारे को अलग उसको उसके साथ सुनवाया है, ट्रैवल एजेंट के साथ। ट्रैवल एजेंट के साथ सो गया भाई, क्या मैं भी तो नीचे गैलरी में सोया हूँ, 5:30 बजे तो हम ऊपर गए 5 बजे। मतलब कल सबसे ज्यादा बंदे आए थे लेके अपना अपना, कल तो मतलब ऐसा लग रहा था आधा बनाया हमने उठा लिया, नहीं ऐसे लग रहा था कि सारी हमारे पास ही आ गई है। खाली अपन थोड़ी ना, पता नहीं कितने उसमें ठहरे हुए हैं, आज और मजा आएगा रात को। आज तो पंजाब वाले आए हुए कम से कम दो बड़े बड़े, तीन बसें भर के आएंगे सुबह पंजाब की, पंजाब की
तो आज रात को पकड़ गैलरी में बैठ गए, आज तो गैलरी भी नहीं खाली रहेगी। आओ सना जाओ सना। ऐसा लगेगा ट्विस्ट पहले सोई है। आधा नहीं वो स्पेशल होटल वही है। कॉफी शॉप, कॉफी हो चुकी है, अब हम लोग निकलने वाले हैं यहाँ से। कहाँ निकलने वाले? लंच के लिए जाने वाले। अब इसको तो भाई इसको जन्नत ही याद आती है और कुछ नहीं, इसकी मन्नत ही थी जन्नत आने के लिए। एक बार जाओगे ना जन्नत, उसके बाद जिंदगी भर जन्नत ही याद रहेगा और कुछ याद ही नहीं।